क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित पाठ अकबरी लोटा पर बातचीत करेंगे। अन्नपूर्णानंद जी की अकबरी लोटा हास्य व्यंग्य कहानी है। इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें बहुत ही रोचकतापूर्ण शैली में समसामयिक जीवन को उभारा गया है। इसमें लाला झाओलाल की समस्या का समाधान अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। झाओलाल के मित्र बिलवासी और अंग्रेज पात्र के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लाला झाओलाल का बेढंगा लोटा किस तरह से ऐतिहासिक लोटा बनकर अंग्रेज के संग्रहालय का अंग बन जाता है, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। आइए इस कहानी को लेकर विस्तार से बातचीत करते हैं। तो अकबरी लोटा यह अन्नपूर्णानंद वर्मा की रचना है। उत्तर प्रदेश के काशी में जन्मे अन्नपूर्णानंद हास्य व्यंग्य लिखने वाले रचनाकार हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1895 में हुआ और मृत्यु 4 दिसंबर 1962 को हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मनमयूर, मेरी हजामत, मंगलमोद और महाकवि चचा। इनकी कहानियों में काशी शहर के परिवेश और वहां के लोक जीवन का चित्रण मिलता है। लोक संवेदना से जुड़कर जब कोई लेखन करता है तो वह निस्संदेह मार्मिक और सार्थक होता है। अन्नपूर्णानंद वर्मा का लेखन भी इसी सार्थकता को ग्रहण किया हुआ है। अकबरी लोटा हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी है। यह आज़ादी के आंदोलन के समय लिखी गई है। इसमें प्रतिरोध की भावना है। लाला झाओलाल और बिलवासी कहानी के प्रतिनिधि पात्र हैं। वे घनिष्ठ मित्र भी हैं, एक दूसरे की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेखक ने इन दो पात्रों के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नीति का विरोध किया है। लाला झाओलाल अपनी पत्नी के साथ काशी के ठिठोरी बाजार के पास बने मकान में रहते थे। उन्होंने घर के नीचे वाली दुकानें किराए पर दी थी, जिससे उन्हें 100 रुपये मासिक किराया आता था। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनका जीवन ऐसे ही खुशी से बीत रहा था कि एक दिन झाओलाल की पत्नी ने अचानक 250 रुपयों की मांग कर दी। वे एकदम घबरा गए कि पत्नी की फरमाइश कैसे पूरी करेंगे। उन्होंने कभी एक साथ इतने रुपये नहीं देखे थे। साथ ही पत्नी ने यह भी कह दिया था कि यदि वह नहीं देंगे तो वह अपने भाई से मांग लेगी। उन्होंने अपनी पत्नी से साफ मना कर दिया कि वह अपने भाई से भीख नहीं मांगेगी। वे 7 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतजाम कर देंगे। 4 दिन तक रुपयों का कोई प्रबंध न हो पाया। झाओलाल को अपनी पत्नी के सामने इज्जत की फिक्र होने लगी। 5वें दिन उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को सारी कहानी सुना दी। बिलवासी जी किसी न किसी तरह रुपयों का प्रबंध करने का वादा करके वहां से चले गए। 7वां दिन भी आ गया, लेकिन बिलवासी जी पैसे लेकर नहीं आए। इसी चिंता में डूबे झाओलाल छत पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने पत्नी से पानी मंगवाया। जो लोटा झाओलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था, उनकी पत्नी उसी लोटे में पानी लेकर आती है। बिना कुछ कहे वे छत के किनारे खड़े होकर पानी पी ही रहे थे कि अचानक उनके हाथ से लोटा छूटकर पास की गली से गुजरता हुआ अंग्रेज पर जा गिरा, जिससे अंग्रेज घायल हो गया और साथ ही भीग भी गया। वह अंग्रेज चिल्लाता हुआ भीड़ के साथ
आंगन में आया और गालियां देने लगा। तभी वहां बिलवासी जी आ जाते हैं। बात को समझकर उन्होंने अंग्रेज को शांत कराया और कहा कि पहले वे उससे ये लोटा खरीद लें, क्योंकि वह साधारण लोटा न होकर एक ऐतिहासिक लोटा है। पंडित बिलवासी अंग्रेज को कथा सुनाने लगे कि 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। तभी एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाया। जब हुमायूं का बेटा अकबर दिल्ली का राजा बना तो उसने ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे दिए और इस लोटे को वापस ले लिया। अकबर इसी लोटे से वजू करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया अकबरी लोटा। अगर म्यूजियम वालों को इस लोटे का पता चल जाए तो वे इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। अंग्रेज को पुरानी चीजें खरीदने का शौक था, इसलिए बोली लगाकर उस लोटे को 500 रुपयों में खरीद लिया। वह उस लोटे को खरीदने की और एक वजह थी कि वह उस लोटे को अपने मित्र को दिखाना चाहता था, क्योंकि उनके मित्र के पास जहांगीरी अंडा था, इसलिए उनका मित्र अकड़ दिखा रहा था। वह लोटे को दिखाकर उसके घमंड को तोड़ना चाहता था। अंग्रेज लोटा खरीदकर वहां से चला गया। लाला झाओलाल 500 रुपये पाकर बहुत खुश थे। बिलवासी जी जब रुपयों का प्रबंध नहीं कर पाए तो अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकाल लिए थे, लेकिन अंग्रेज द्वारा पैसों का इंतजाम हो गया तो वापस अपनी पत्नी के संदूक में पैसे रखकर चैन की नींद सो गए। यही इस कहानी की मूल कथा है। यह कहानी 3 मुद्दों को उठाती है। पहला है, भारतीय संस्कृति मैत्री भाव की संस्कृति है, इसका गुणगान करना। और दूसरा है, सांस्कृतिक संघर्ष में भारतीय पक्ष को रेखांकित करना। तीसरा है, साम्राज्यवाद विरोध की कहानी। तो पहला है, भारतीय संस्कृति में मैत्री भाव का विशेष महत्व है। भारतीय समाज में मित्रता की कई मिसालें हैं। लाला झाओलाल के हर संकट में बिलवासी सहायता करते हैं। यही मैत्री भाव भारतीय संस्कृति का प्राणत्व है। खुद भूखा रहकर मित्र को परोसने की भावना इसमें निहित है। व्यक्ति की अमीरी मित्रों की संख्या पर निर्भर करती है, इसी मैत्री भाव को कहानीकार ने चित्रित किया है। दूसरा है, यह कहानी आज़ादी के आंदोलन के समय लिखी गई है। उस समय समग्र भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों की शोषण की नीति से भारतीय जनता आहत थी। हर व्यक्ति के मन में अंग्रेज़ों के प्रति विरोध एवं क्रोध की भावना थी। अतः यह दो भिन्न संस्कृतियों के बीच टकराहट का समय था। अंग्रेज़ों में हर मोर्चे पर भारतीयों को पीछे धकेल दिया था। जनता को गरीब, अनपढ़ और गवार कहकर अपमानित किया गया था। बिलवासी उन्हीं अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि को बेवकूफ़ बनाकर भारतीयों की समझदारी को इंगित करते हैं। कहानी में चित्रित दो अंग्रेजी पात्रों में ईर्ष्या एवं स्पर्धा का भाव है, जबकि लाला झाओलाल और बिलवासी की सहयोग की भावना भारतीय संस्कृति की महत्ता को रेखांकित करती है। तीसरा है, साम्राज्यवाद विरोध की कहानी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रतिरोध की कहानी है। अंग्रेजों ने भारत पर कई वर्षों तक राज किया, अतः हर भारतीय के अंतर मन में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति विद्रोह की भावना निर्माण हुई। यह कहानी उसी भावना को मुखर कर देती है। लाला झाओलाल के हाथ से गिरा लोटा अंग्रेज को नहलाकर उसके पैर पर गिरता है। दरअसल यह अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पर ही प्रहार है। आगे इसी लोटे को अकबरी लोटा कहकर 500 रुपयों में अंग्रेज को बेचा जाता है।
अंग्रेज को बेवकूफ बनाना उसी साम्राज्यवाद का विरोध है जिसने भारतीयों पर जुल्म किए। यह कहानी उसी साम्राज्य के खिलाफ तोप का काम करती है। कहानीकार ने बड़े ही सहजता से भारतीय जनमानस की अभिव्यक्ति को मुखर किया है। अकबरी लोटा कहानी हास्य व्यंग्य शैली में लिखी गई है। इसमें अकबरी लोटा साम्राज्यवाद विरोध का प्रतीक है। इस पाठ में मुहावरे युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है और साथ ही फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यह कहानी मैत्री भाव पर प्रकाश डालती है। समस्याओं से दुखी ना होकर समझदारी से उसका हल निकालने की सलाह देती है। इसमें अंग्रेजी हुकूमत का प्रतिरोध है। आशा है कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।